हेलो फ्रेंड्स, मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज विश्व विवाह दिवस, यानी कि दो लोगों के साथ चलने के बहुत सारे वादे कस्में निभाने का त्यौहार, क्योंकि आज का दिन वर्ल्ड लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि हर दिन हमारे लिए एक महत्व रखता है, वैसे ही यह दिन भी हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। हाँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कम सेलिब्रेट की जाती हैं सोशल में, तो इसका नॉलेज रखना, इसका ज्ञान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो विश्व विवाह दिवस पति पत्नी के आपसी संबंधों को नई ताजगी और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है, और ये दिवस फरवरी माह के दूसरे रविवार यानी कि आज के दिन मनाया जाता है। इस दिन दाम्पत्य जीवन में प्यार, प्रणय एवं सौहार्द भरने का प्राणवान संकल्प लिया जाता है। यह दिवस संस्कार और संस्कृति का संवाहक भी है। हमारे हिंदू धर्म में 7 फेरों के साथ विवाह होता है, और अन्य धर्मों में भी उनके तरीके से विवाह होता है, क्योंकि विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण रीति है जो सभी धर्म ने अपने अपने तरीके से अपनाई है। भारत का विवाह आदर्श इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ विवाह प्रकाश का दूसरा नाम है। समस्याओं से मुक्ति एवं अंधेरों में उजालों के लिए विवाह के बंधन में बंधकर जीवन को रोशन किया जाता है। यही विवाह का सार्थक यात्रा का सारांश है। कई बार हमारे यहाँ विवाह संबंध एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पर जीवन साथी एक दूसरे का साथ छोड़ना चाहते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि जैसे हम बहुत सारे त्यौहार दिवाली होली सेलिब्रेट करते हैं, वैसे हम यदि इन छोटे छोटे दिवसों के महत्व को समझें और सेलिब्रेट करें, तो शायद जीवन में हम अपने संबंध को बहुत अच्छे तरीके से सहेजना सीख लेंगे। तो आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी है तो वो ज़रूर अपने आसपास के लोगों के साथ ये दिवस सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस बन जाता है उन लोगों के लिए जिनका विवाह संबंध हो गया है, और उन लोगों के लिए भी जो विवाहित नहीं है, उन्हें इस महत्व को समझने के लिए आज का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज के दिन का ये महत्वपूर्ण विषय आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता